जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ एस्पिरेंट्स गाइस, अगर आप जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ का फुल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक स्पेशल ऑफर जिसमें हम पूरा फुल कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ 399 में। सो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो बाय करना चाहते हैं कोर्स को, वो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें 7006332724 पे, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू गाइज। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सबके? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज लॉजिकल वेन डायग्राम। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, मैं आपको जितनी चीज़ें बताऊँगा उन चीज़ों पे ध्यान देना बस, उसके बाहर कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको हर एक चीज़ कवर करवाऊँगा। हम लोगों ने ब्लड रिलेशन ख़त्म कर लिया, हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म कर ली, हम लोगों ने डायरेक्शन ख़त्म कर ली। अब मैं लॉजिकली वेन डायग्राम ले रहा हूँ। जो हमने चैप्टर ख़त्म कर लिए वो सबसे बड़े बड़े चैप्टर थे, अब जो बचे हैं वो छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो ये वाला चैप्टर दो क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, वेन डायग्राम का मतलब होता है लॉजिकली चीज़ फॉलो करनी चाहिए। वेन डायग्राम का मतलब होता है, जैसे इसके अंदर ऐसे केस बनाता हूँ मैं, जैसे पहला केस इसमें ना तीन केसेस की बात होगी, एक होगी ऑल की बात होगी एंड सेकंड वन इज सम की बात होगी एंड थर्ड वन इज नो की बात होगी। तो इसको हम किस तरीके से, ये क्वेश्चन में होगा। कुछ केसेस होते हैं ऑल वाले, जैसे मैं ऑल की बात करता हूँ, ऑल की बात मैं ऐसे बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ फ्रूट्स फ्रूट्स और एप्पल के बीच का रिलेशन बताओ, तो ये ऑल वाला केस है। कैसे? जो भी एप्पल हैं, जितने भी एप्पल हैं, तो इस तरीके से आपको सर्कल दिए जाएंगे। जितने भी एप्पल हैं, एप्पल सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? तो ये सारे के सारे आते हैं आपके फ्रूट्स के अंदर। इट मीन्स कि ये इसका डायग्राम बनेगा। मैं बोलूँगा ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, मतलब सारे के सारे एप्पल फ्रूट्स हैं, तो ये ऑल वाला केस है। तो ऑल मतलब ये सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है? सारे ऑल वाला केस है। अगर मैं सम की केस की बात करूँ, अगर मैं सम के केस की बात करूँ, तो इसमें जैसे मैं ले सकता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ वुमेन और टीचर का एग्जांपल लेता हूँ। चलो, अब औरतें और टीचर का क्या रिलेशन है? इसका ये रिलेशन है कि कुछ वुमेन टीचर हो सकती हैं। ऐसा जरूरी है थोड़ी है कि हर एक वुमेन, इसको लॉजिकली सोचो जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में सोचते हो। अब आप देखो, जितनी सारी की सारी वुमेन्स हैं, क्या वो सारी की सारी टीचर हैं? आप खुद प्रैक्टिकली सोचो, क्या सारी की सारी जो औरतें हैं वो सब टीचर हैं? क्या आपकी मम्मा टीचर है सबकी? क्या आपके आंटी वगैरह दीदी वगैरह सारे टीचर हैं? तो वो भी वुमेन में आती हैं, तो सारे टीचर नहीं है ना। अच्छा, कुछ लोगों की मम्मा, कुछ आंटी दीदी मासी चाची कुछ भी, तो वो टीचर हैं, तो कुछ है भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारी वुमेन टीचर नहीं है, कुछ तो हैं। इसका मतलब कुछ टीचर वुमेन हैं, ये प्रैक्टिकली सही है। इसका दोनों का रिलेशन बनाना तो ऐसे बनेगा, कुछ हैं। क्योंकि आप अपनी लाइफ में देखो ना, आगे पीछे देखो, आपको कुछ वुमेन टीचर मिलेंगी, बिल्कुल लेक्चरर मिलेंगी, प्रोफेसर मिलेंगी, तो कुछ तो हैं वो भी है, और कुछ नहीं भी हैं तो वो सम वाला केस है। सम वाला केस क्या होता है? अगर 1% और 99%, अगर 1% भी कोई चीज़ है, तो मैं बोलता हूँ सम एप्पल आर मैंगोज, मतलब केस बना रहा हूँ मैं। कैसे? कुछ पार्ट, सम मतलब कुछ, टोटल का कुछ पार्ट तो है ना, तो वो चाहे 1% हो कुछ, चाहे वो 99% हो कुछ, लेकिन है तो वो टोटल का क्वेश्चन है ना, वो टोटल पूरा नहीं है, ठीक है? एंड थर्ड वन इज नो वाला केस। अच्छा, नो वाला केस क्या होता है लॉजिकली सोचूं, तो मैं ऐसे बोलता हूँ नो वाला केस, नो की मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, जैसे बोलता हूँ चेयर टेबल, या मैं, ठीक है, या मैं बोलता हूँ मैन और वुमेन का क्या रिलेशन है, ठीक है? आपको चीज़ें जनरली सोचनी है, ऐसे जो एक्सेप्शन केस है ये मत सोचना आप, ठीक है? ये एक्सेप्शन नहीं है, जो जनरली चीज़ें होती हैं वो सोचना आपको। अगर मैं टेबल चेयर की बात करूँ, तो कोई भी टेबल कभी चेयर नहीं होता, टेबल अपनी चीज़ है और चेयर अलग चीज़ है। अगर टेबल एज अ चेयर काम कर रहा है, तो आपको पहले चेयर को टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है? चेयर को टेबल नहीं मान सकते, टेबल को चेयर नहीं बना सकते, जनरली ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें ये कन्फर्म था, ये नो वाला केस है। कोई भी चेयर कभी टेबल नहीं हो सकती, कोई भी टेबल कभी चेयर नहीं हो सकता। अगर मैन और वुमेन की बात करूं, तो मैन अपनी जगह है और वुमेन अपनी जगह है, इन दोनों का रिलेशन ये है कि नो मैन इज वुमेन, कोई भी मैन कभी वुमेन नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली तीन केस बनेंगे, और एक इसमें बनेगा जो आपका एक ट्राइंगल शेप दी जाएगी, एक सर्कल दे दिया जाएगा, बीच में एक स्क्वायर रख दिया जाएगा, ठीक है, बीच में एक रेक्टेंगल रख दिया जाएगा,
इसमें एक ऐसा नंबर रख दिया जाएगा कि बताओ भाई कौन सा नंबर है जो इसमें 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 तीनों में आता है। तो इस तरीके से होगा, ये भी मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दूंगा। तो ये बेसिक सी बात है, ऑल वाला केस क्या होता है, कोई चीज़ सारी की सारी किसी के अंदर आती हो, लॉजिकली होनी चाहिए। इसका चैप्टर का नाम क्या है, लॉजिकली वेन डायग्राम। ठीक है, तो आप मान के चलो फोर्थ क्लास में 20 नंबर की रीजनिंग है, 20 नंबर में से हर एक चैप्टर दो दो क्वेश्चन कवर करेगा और कुछ चैप्टर दो से ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर करेगा। जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग मैंने अल्फ़ाबेट करवा दिया, उसके बाद नंबर सीरीज होगी, तो वो सारा मिला के आपको 5 से 7 क्वेश्चन वही चैप्टर देगा खाली आपको दो। ठीक है, और ब्लड रिलेशन में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 2 ही आएंगे, हो सकता है किसी में 1 आ जाए अगले चैप्टर में 3 आ जाए, बट आप एवरेज मान के चलो कि हर एक चैप्टर आपके 2 मार्क्स कवर करेगा। तो 2 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 0.5 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है बच्चों का। ठीक है, और सम वाला केस क्या होता है कि कुछ पार्ट है और कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं सम वाला केस। और नो वाला मतलब कोई रिलेशन नहीं है दोनों में, वो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे होगा कि आपको नाम दे दिए जाएंगे, आपको नाम दे दिए जाएंगे, तो आपको बताना है कि इसका रिलेशन क्या होगा। जैसे मैं सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ मैन, विमेंस और ह्यूमन बींग्स। अब क्या है, मुझे पता है ह्यूमन बींग्स मैन भी होता है वुमेन दोनों होते हैं, इसका मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर मैन भी आएंगे वुमेन, लेकिन मैन कभी वुमेन नहीं हो सकता, ये इसका बनेगा वेन डायग्राम, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, या तीनों अलग अलग बना दिए जाएंगे, तो ये 4 ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो ऐसे लॉजिकली सही होना चाहिए, देखो ह्यूमन बींग्स इसके अंदर ये डेफिनेटली मैन और वुमेन दोनों आएंगे, क्योंकि मैन और वुमेन दोनों क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, तो एक तो कन्फर्म हो गया दोनों इसके अंदर आएंगे। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है, मैन और वुमेन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जब एक नहीं हो सकती, ये मैंने अलग अलग लिख दिया, ये मैन मान लो, ये वुमेन मान लो, और ये टोटल किसका, ह्यूमन बींग्स का। तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके मतलब आपको मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस में आता है और किस में क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये आप स्टेटमेंट नोट कर लेते हो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, आप देखते ही उसका आंसर बता दोगे। ठीक है, लॉजिकली देखना सीख जाओगे। तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख लूँ, चलो सबसे पहले मैंने ऑल वाला केस लिया। ठीक है, ये सारे ऑल के केस है। एक तो आपको क्वेश्चन इतने करवा दिए जाएंगे कि क्वेश्चन उसी में आपको क्वेश्चन दिखेगा, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर देंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन खुद भी बना सकते हो। अब देखो एप्पल और फ्रूट का रिलेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, देखो ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। अच्छा, फ्रूट्स के अंदर एप्पल आता है कि एप्पल सारे फ्रूट्स के अंदर होंगे, ये आपको तो बताना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे फ्रूट्स एप्पल हों, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि फ्रूट सारे के सारे एप्पल के अंदर आते हैं, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। एप्पल तो सारे फ्रूट्स होते हैं, लेकिन सारे फ्रूट्स एप्पल होंगे ये कंपलसरी नहीं है। तो इसका मतलब सारे के सारे एप्पल वो आएंगे फ्रूट्स के अंदर, तो ये भी ध्यान देना कि किसकी बात कर रहा है। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे एप्पल फ्रूट्स के अंदर तो आएंगे, लेकिन सारे फ्रूट्स एप्पल के अंदर कभी नहीं आ सकते। भाई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि फ्रूट सारे के सारे एप्पल के अंदर आए, क्यों नहीं आएंगे भाई, फ्रूट्स के अंदर एप्पल क्या, आपका ऑरेंज भी होता है, ग्रेप्स भी होता है, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि एप्पल के अंदर सारे फ्रूट्स रख दो, फ्रूट्स जो भी होगा वो एप्पल ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आपको चलना क्या है, आपको एप्पल से फ्रूट्स की साइज करना है, मतलब एप्पल एप्पल किसके अंदर आते हैं, फ्रूट्स के अंदर, ये कन्फर्म है, ये 100% है कि फ्रूट के अंदर ही एप्पल होगा, क्योंकि एप्पल एक फ्रूट्स है, वो एप्पल कोई भी तरह का एप्पल हो वो फ्रूट्स के अंदर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अच्छा एनिमल और डॉग्स की बात करूँ तो आप किस साइड चलना, आपको अब आप चलोगे डॉग से एनिमल की साइड, क्योंकि सारे एनिमल डॉग्स होना ये कंपलसरी नहीं है, एनिमल कैट भी हो सकता है, एनिमल आपका कऊ भी हो सकता है, एनिमल कुछ भी हो सकता है, लेकिन एनिमल सारे डॉग्स होंगे ये कन्फर्म नहीं है। हाँ इतनी बात कन्फर्म है कि सारे के सारे डॉग्स वो सारे एनिमल है, क्योंकि एनिमल के अंदर ही आता है डॉग्स। अगर इसकी बात करूँ मैं व्हीकल से कार की तरफ, तो क्या चलोगे, कार से व्हीकल, क्योंकि जितनी कार्स हैं वो सारी व्हीकल्स हैं, और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारी के सारी व्हीकल्स कार हों, क्यों, क्योंकि सारी गाड़ियां हों वो कार ही थोड़ी हो सकती है, कुछ बस हो सकता है, कुछ ट्रक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब कार किसके अंदर होगी, कार होगी आपकी व्हीकल्स के अंदर। तो ऐसा पूछेगा नहीं वो जनरली, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन किसके अंदर आता है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा, खाली 2 सर्कल दिए होंगे कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ ऐसे दिखा होगा, कुछ ऐसे बना देगा अलग अलग, ठीक है, और कुछ वो अलग से इसमें ले देगा, नन लिख देगा, क्योंकि 3 ही रिलेशन होते हैं ना, तो इस तरीके से वो रिलेशन दे देगा आपको। आंसर बताना सीधा आंसर ये है, क्योंकि सारी कार्स व्हीकल के अंदर आती हैं। अच्छा ब्रदर मैन, अच्छा मैन और ब्रदर का क्या रिलेशन है, एक बात 110% सही है कि सारे के सारे जो भाई होंगे वो मैन ही होंगे। क्या किसी लड़की को आप ब्रदर बोल सकते हो,
क्या किसी गर्ल्स को आप ब्रदर बना सकते हो? नहीं, ये बात कन्फर्म है कि आपको लेफ्ट से राइट चलना है। क्यों? क्योंकि जितने भी ब्रदर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? मैन होंगे। तो इसके दो सर्कल बनेंगे, ये आंसर होगा। ठीक है, इसके दो सर्कल बनेंगे, ये आंसर होगा। सारे मैन ब्रदर के अंदर नहीं आ सकते, कुछ मैन ब्रदर ना होके फादर बन सकते हैं, ग्रैंड फादर बन सकते हैं, सन बन सकते हैं, हो सकता है उसका कोई भाई बने ही ना। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे मैन ब्रदर हों। हाँ, सारे ब्रदर मैन होंगे, ये कन्फर्म था। अच्छा, इंडिया और दिल्ली का क्या रिलेशन है? तो आपको पता है इंडिया के अंदर ही तो दिल्ली आता है, दिल्ली उसकी कैपिटल एक स्टेट है। ठीक है, तो इंडिया इंडिया के अंदर आता है ये दिल्ली, दिल्ली के अंदर इंडिया नहीं आता, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, मार्स और प्लानट का क्या रिलेशन है? आपको पता है कि आपके प्लानट क्या है? जैसे अर्थ है, मार्स है, यूपिटर है, ठीक है, ये वीनस है, ये सारे क्या है आपके वो हैं, प्लानट हैं। और प्लानट के अंदर मार्स भी तो एक छोटा सा प्लानट है, प्लानट के अंदर मार्स भी अपने आप में जैसे अर्थ है वैसे एक मार्स है। इसका मतलब जो मार्स है वो किसके अंदर आता है? वो प्लानट के अंदर आता है, क्योंकि एक तरह से प्लानट है। ठीक है, अब अगर मैं बोल दूँ अर्थ, मार्स और प्लानट, तो क्या आएगा आंसर? मुझे पता प्लानट के अंदर अर्थ भी आता है, मार्स भी आता है, लेकिन क्या अर्थ मार्स है आपकी? नहीं है ना, अर्थ अलग चीज़ है और मार्स अलग चीज़। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये इसकी डायग्राम बनेगी। आगे देखो, मदर और वुमेन का बताना आपको। तो आसान है, मदर जितनी भी होंगी वो डेफिनेटली 110% वो क्या होंगी? वो वुमेन ही होंगी। इसका मतलब मदर सारी आपकी वुमेन्स के अंदर आएगी, ये इसका सर्कल होगा। तो ये सारे केस मैंने कौन से करवाए? मैंने करवाए ऑल वाले केस, इसको छोड़ के। ये सारे क्या हैं? ऑल वाले केस हैं। एक चीज़ पूरी की पूरी दूसरे के अंदर आना, उसको मैं हमेशा ऐसे रहा करता हूँ, जैसे एक दूसरे के अंदर आ चुकी है। ठीक है, ये है ऑल वाला केस। अब मैं सम की एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो, सम का आपको लॉजिकली चीज़ें सोचनी है, ठीक है, जो आपके रियल लाइफ में होता है उसी तरीके से आपको चीज़ें रिलेट करनी है। अच्छा, सम वाला केस ले रहा हूँ मैं। सम में कैसे लेंगे? जैसे मैं बोलता हूँ वुमेन और टीचर का, मैंने एग्जांपल पहले भी आपको ये डिटेल में बता चुका हूँ, जितनी भी वुमेंस है वो सारे टीचर नहीं हो सकती और सारे के सारे टीचर वुमेंस नहीं हो सकती। इसका मतलब इसका केस ऐसे बनेगा, कुछ वुमेंस टीचर हैं, कुछ नहीं है। तो कुछ वाला पोर्शन ऐसे बनाते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये सम आ गया, ये सम, इसको वुमेन रख दो, इसको टीचर रख दो। ये कुछ वुमेन का पार्ट देखो टीचर के अंदर आ गया, कुछ टीचर का पार्ट किसके अंदर आ गया? वुमेंस के अंदर आ गया। तो इसका ये मतलब, सम मतलब ये इस साइड भी आ सकते हैं, इस साइड भी थोड़ा थोड़ा पार्ट होगा, दोनों का आपस में शेयर की होगी बाउंड्री। अच्छा, डॉक्टर और मैन की बात करें, क्या सारे के सारे मैन डॉक्टर हैं? नहीं है। क्या सारे के सारे डॉक्टर मैन है? ऐसा भी जरूरी नहीं है भैया, डॉक्टर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। अच्छा, मैन सारे डॉक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मतलब सम वाला केस है ना, सारे थोड़ी हैं। अब आपके पापा भाई वगैरह सारे थोड़ी डॉक्टर हैं, किसी के हैं, तो इसका मतलब डॉक्टर सारे मैन नहीं है, मैन सारे डॉक्टर नहीं। ऐसे होगा कि कुछ डॉक्टर मैन है। तो रियल लाइफ में देखो आप, कुछ डॉक्टर मैन है, सारे डॉक्टर मैन थोड़ी हैं, सारे मैन डॉक्टर थोड़ी हैं, कुछ वाला केस है। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स और बॉयज की बात करूँ, क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स बॉयज़ होंगे? भाई लड़कियाँ भी तो स्टूडेंट होती हैं, इसका मतलब ये पूरे पूरे नहीं हो सकते। अच्छा, क्या सारे के सारे लड़के स्टूडेंट होंगे? नॉट कंपल्सरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लड़के डेफिनेट क्लियर नहीं है कि ये सारे स्टूडेंट्स होंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ लड़के ऐसा भी हो सकता है कुछ पढ़ाई करते ही नहीं है, कुछ लोग बचपन से ही जो बॉयज़ होते हैं जो दसवीं के बाद पढ़ाई बंद कर देते हैं, तो वो क्या लड़के नहीं हुए? वो भी बॉयज़ हैं, तो पढ़ाई नहीं कर रहे, वो उस टाइम स्टूडेंट नहीं है, वो काम कर रहे हैं कहीं, कोई बिजनेस कर रहा है। तो इसका मतलब सम स्टूडेंट्स बॉयज़, कुछ स्टूडेंट बॉय हैं, सारे नहीं है बॉयज़। ठीक है, टीचर और इंजीनियर की बात करूँ। अच्छा, इंजीनियर टीचर होता है कि नहीं है? आपके इंजीनियर क्लास का अलग टीचर होता है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी सारे ही टीचर इंजीनियर को, मतलब कुछ टीचर हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं और कुछ इंजीनियर है जो टीचिंग भी करते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद टीचर बन गए वो। तो ये भी सम वाला केस है, इसका भी ऐसे बनाओगे। अच्छा, मैं सिंगर और डांसर की बात करूँ, आप देखते हो जैसे माइकल जैक्सन हो गए, ये सारे क्या हैं? ये सिंगिंग भी करते थे, डांस भी करते थे। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारे सिंगर डांस भी करें, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे डांसर सिंगिंग भी करें, कुछ डांसर खाली डांस करते हैं सिंगिंग करते ही नहीं है। तो इसका मतलब कुछ कुछ की बात हो रही है, एक पोर्शन भी छोटा सा आपको दिख जाना कुछ है, लेकिन वो जनरली बात होगी। जनरली, जनरली का मतलब जैसे मैं बोलता हूँ, जनरली लड़के की शादी लड़की से होती है। आप ये नहीं बोल सकते सर अभी तो मतलब लड़का लड़की से कर सकता है, लड़की लड़की से कर सकती है, वो इन जनरल बात होगी। मैं जनरली बात कर रहा हूँ जो होता है, ठीक है, जनरली। तो आपको एक्सेप्शनल ज़्यादा दिमाग भी यूज़ नहीं करना, ठीक है, वो भी एक एक्सेप्शन, आपको चीज़ें छोड़नी है वो वाली। अच्छा, हस्बैंड वाइफ की, ब्रदर की बात करूँ, तो क्या जितने हस्बैंड है वो सब किसी के भाई होते हैं? कोई अकेला बेटा होगा तो किसी का भाई नहीं बना। अच्छा, सारे भाई के हस्बैंड बन जाएंगे? जितने भी किसी के ब्रदर हैं वो हस्बैंड बन जाएंगे? कुछ मोदी की तरह साधु संत भी हो सकते हैं, तो वो हस्बैंड नहीं बन सकते। तो इसका भी सम वाला केस है। तो ये हो गया सम वाली बातें, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ कौन सी वाली, जिसमें नो वाली केस। देखो नो वाला, देखो, चलो नो वाला केस देख लो एक बार। अच्छा, चेयर टेबल मैं डिटेल कर ही चुका हूँ कि चेयर कभी टेबल नहीं हो सकते। अच्छा, एप्पल मैंगोज़ की बात करूँ,
क्या एप्पल कोई मैंगोज होता है? क्या कोई मैंगो एप्पल होता है? नहीं होता, ये अलग अलग बात है। अच्छा, कार और बस की बात करूँ, क्या कार आपकी बस होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। क्या बस कार होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, मदर फादर, क्या मदर फादर होता है? नहीं होता। क्या फादर मदर होती है? नहीं होता, ये भी अलग अलग बात है। अच्छा, शर्ट और पैंट की बात करूँ, शर्ट को एज अ पैंट पहन सकते हो और पैंट को एज अ शर्ट पहन सकते हो? बिल्कुल नहीं पहन सकते। कुछ गधे पहन लेते हैं लेकिन आपको वो मेंशन नहीं करना है। अच्छा, कैट और डॉग की बात करूँ, क्या कैट डॉग होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। क्या डॉग कैट होते हैं? ये भी नहीं होता। अच्छा, टीवी को गैस बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बोतल और स्पून का कोई रिलेशन है? बोतल अपनी जगह है और स्पून अपनी जगह है। आप बोतल को एज अ स्पून नहीं बना सकते, स्पून को एज अ बोतल यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थे आपके नो वाले केस। ठीक है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप किस तरीके से डायग्राम को प्लॉट करोगे जब क्वेश्चन के अंदर आएगा। ठीक है, कैसे रिलेशन बनाओगे? यहाँ पे भी ऐसे दो रिलेशन दिखेंगे, इन दोनों का रिलेशन हमेशा ऐसे होगा, और तीसरा बंदा भी आया, उन तीनों का रिलेशन इनके साथ कैसा है वो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन बेसिक बेसिक, फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चन लेके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, दो क्लासेस हार्डली आएंगे आई थिंक, तो तीन भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोशिश करेंगे दो में खत्म कर देंगे। सबसे मैं पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ बेसिक। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, आपको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लॉयर्स के बीच का रिलेशन बताना है। प्रैक्टिकल हो जाओ बिल्कुल आराम से, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो, क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिलेगा आपको। अच्छा, आप एक बात मुझे बताओ, अगर मैं डॉक्टर और इंजीनियर की बात करूं, क्या डॉक्टर इंजीनियर होता है? आप इंजीनियरिंग करके कभी डॉक्टर बनते हो? भाई इंजीनियर कभी डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर मशीनों का होता, आदमी का डॉक्टर नहीं होता। इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन तो नो वाला आ गया। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। अच्छा, लॉयर क्या इंजीनियर हो सकता है? क्योंकि एक इंजीनियर इंजीनियरिंग करने के बाद वो टीचर बन सकता है, लेकिन लॉयर कभी नहीं बन सकता। उसको लॉयर के लिए फिर से लॉ की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, ना तो इंजीनियर लॉयर हो सकता है, ना तो डॉक्टर हो सकता है, ना तो डॉक्टर इंजीनियरिंग, ना तो लॉयर, मतलब तीनों आपस में कोई किसी का काम नहीं कर सकते। देखो, एक लॉयर आपका डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। आपका लॉयर की नौकरी करते करते डॉक्टर की नौकरी नहीं करता, ये आपको भी पता है। डॉक्टर का अपना फील्ड है, लॉयर का अपना फील्ड है, इस फील्ड ये वाला फील्ड में नहीं आता। बाकी वो बात अलग है, कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वो सारे काम कर लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनली जो लॉयर होता है वो डॉक्टर का काम नहीं करता। ठीक है, इसका रिलेशन ऐसे आएगा, कोई किसी के साथ रिलेशन नहीं है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये लॉयर, बस ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको ऑप्शन में ऐसे देगा, दूसरा ऑप्शन ये होगा, तीसरा ऐसे दे देगा कि सम वाला बना देगा सबका, सम सम। चौथा ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, जैसे दो एक के अंदर है, तीसरा इन दोनों में सम आता है, तो कुछ भी डायग्राम बना सकता है आपको, उससे कोई मैटर नहीं। आपको देखना है डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, तीनों ही अलग अलग फील्ड हैं, ये एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर आ जाएगा नो वाला, ये इसके साथ नो है, ये इसके साथ नो है, सारे आपस में एक दूसरे के साथ नो की भाषा ही समझते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और जितनी भी मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन आए और यही से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ आर्स की, अच्छा मिनट की और सेकेंड्स की, तो ये देखते ही बन जाएगा, आपको भी पता है। अच्छा, सेकेंड्स किसके अंदर आते हैं? मिनट के अंदर, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड आते हैं, तो सेकेंड आते हैं आपके मिनट्स के अंदर, ये आ गया मिनट का। अच्छा, मिनट किसके अंदर आते हैं? आवर्स के अंदर आते हैं, तो आवर्स के अंदर मिनट, मिनट के अंदर सेकेंड, तो ये आंसर होगा। अगर ऐसे बनाया है ये भी गलत, कभी कभी नाम भी लिख के दे सकता है कि आवर्स को मिनट के अंदर, मिनट को सेकेंड, ऐसा थोड़ी होता है। घंटे कभी मिनट के अंदर थोड़ी आते हैं, मिनट मिलके घंटे बनते हैं, मतलब जो भी मिनट है वो सारे के सारे घंटे के अंदर आएंगे, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आई होप कि आप बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, अगर आप ये एक बार देख के चले जाओगे यही से क्वेश्चन आएगा, और आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। इवन कि आप SSC CGL का एग्जाम देने जाओ जिसमें वेन डायग्राम ये आएगा, आप बना सकते हो, कोई भी एग्जाम दे लो, इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली कोई भी बच्चा कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? टेबल, चेयर और फर्नीचर। आपको पता है टेबल और चेयर का रिलेशन क्या है? ये नो का रिलेशन बनाते हैं, लेकिन फर्नीचर का टेबल के साथ क्या है? भाई टेबल तो एक फर्नीचर के अंदर आता है। अच्छा, चेयर का फर्नीचर के साथ क्या रिलेशन है? तो चेयर भी तो आपकी फर्नीचर के अंदर आती है, इट मीन्स कि आपका टेबल और चेयर दोनों आपस में अलग अलग हैं, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, बट ये भी टेबल फर्नीचर के अंदर आता है और चेयर भी फर्नीचर के अंदर आती है, इट मीन्स ये दोनों ही इसके अंदर आएंगे फर्नीचर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये कौन सा केस है? ये दोनों के बीच में नो लग गया, ठीक है, और इनके इसके इसके साथ ये और इसके साथ ऑल, मतलब ऑल ऑल और नो का केस है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं आपके लिए, आपको ये बनाना आना चाहिए बस।
ठीक है, ये बेसिक से एग्जाम्पल था, तो आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि टेबल का चेयर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों की दोनों किसी के अंदर हैं तो दोनों किसी के अंदर आएंगे, बस लॉजिकली चीज़ को सोचो, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, आप कर सकते हो इजीली। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। अच्छा मेल फादर और चिल्ड्रन, अच्छा चिल्ड्रन के अंदर कौन आता है?